पीछे कावड़ आ रहा है बड़ा सा और यहाँ पे जल लेके आ रहे हैं भोले, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं जल लेके आ रहे हैं, हमारे जो भोले हैं उसके सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं पूरी फोर्स तैनात है यहाँ पे। तो भाई हर हर महादेव की जय। हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे, आपको संपूर्ण घाटों का इस वीडियो में दृश्य देखने को मिलने वाला है और साथ में आपको आज का जो वीडियो में केवल और केवल सारे घाटों में आपको कांवड़ यात्री और बोलबम के नारे ही सुनने को मिलने वाला है। तो चलते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन देंगे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपकी यात्रा यहाँ की मंगलमय हो। आप देख रहे हैं बड़े बड़े कांवड़, एक से बढ़कर एक कांवड़ श्रद्धालु लेके जा रहे हैं। कोई लेके जा रहा है 110 लीटर, कोई लेके जा रहा है 125 लीटर, काफ़ी सारे श्रद्धालु आपको ये दिखाई दे रहा होगा। आप देख रहे हैं काफी सारे जल लेके जा रहे हैं छोटे 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 बोतल में। इधर से जल लेके श्रद्धालु जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा लेके इधर से ही आते हैं। काफी बड़े बड़े कांवड़ इधर से ही आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक पीछे कांवड़ आ रहा है बड़ा सा और यहाँ पे जल लेके आ रहे हैं भोले, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं जल लेके आ रहे हैं, आपका कांवड़ कौन सा है? अच्छा, ये हमारे भोले। हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे, अभी आप देख रहे हैं गंगा जी की तेज धारा और धारा में काफ़ी सारी चीज़ें बह के आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मटमैली है गंगा जी और आप देख रहे हैं मौसम कितनी ज़्यादा बादल छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी बरस सकता है। हम ऑलरेडी छाता लेके आए हुए हैं ताकि इतनी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ से कांवड़ यात्री आपको दिखाई दे रहे होंगे। कांवड़ यात्री आपको ये है जल की तेज धारा, यहाँ पे डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। बोले इस मार्ग से होके जाते हैं, जो बोले इधर से जल लेते हैं, इधर से आते हैं और इधर से निकल जाते हैं। और यहाँ से एक मार्ग है जहाँ पे आपको खंभा दिखाई दे रहा होगा, उसका धार स्टॉप, वहाँ से आप सीधे जाएंगे। तो कांवड़ी कांवड़ आपको हरिद्वार में अभी देखने को मिलेंगे 15 तारीख तक, पूरे दृश्य के साथ आपको यही। और ये गंगा जी की धारा, आप देख रहे हैं धारा में क्या क्या चीजें आ रही हैं, उधर के चारों का दृश्य अगर हम दिखाएं, गंगा जी काफी ज्यादा मटमैली हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मटमैली हो चुकी हैं, एकदम कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है गंगा जी का। और वो हर की पैड़ी है और हर की पैड़ी का दृश्य आप अभी देखेंगे, हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। ये वाली घाट है, विष्णु घाट वाली एरिया है ये, और आप देख रहे हैं यहाँ से हर की पैड़ी लगभग 500 से 600 मीटर है। यहाँ पे महिला रन बसेरा आपको मिल जाएगा, निःशुल्क है। और कांवड़ ही कांवड़ आपको दो मंजिला तीन मंजिला कांवड़ यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, चारों ओर कांवड़ ही कांवड़ आपको देखेंगे। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे भोले ही भोले दिखाई दे रहे हैं, सारे घाट में आपको भोले ही दिखाई देंगे और एक से बढ़कर एक कांवड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये जो घाट है जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया, कोई हर की पैड़ी नहीं, हर की पैड़ी यहाँ तक काफ़ी दूर है। देख रहे हैं ये गंगा जी में आप लोग देख रहे हैं काफी सारी चीजें बह के आ रही है, जो गंगा जी में देख रहे हैं आप लोग काफी सारी चीजें बह के आ रही हैं। ये लोग
गंगा आप देख रहे हैं जहाँ पे चारों ओर आपको पावड़ी गाँव और ये वाली जो एरिया है आप देख रहे हैं सारे कावड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रन बसेरा है और यहाँ पे ये जो जगह है वो खाली करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं भोले की सुरक्षा के लिए और साथ में काफ़ी सारे चीज़ें जो उधर घाटों में रखा हुआ है सारा चीज़ हटाया जा रहा है और ये सुरक्षा बल है, ये भोले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी सुरक्षा यहाँ पे दिया जा रहा है भोलों को, तो आपकी यात्रा इतनी मंगलमय होगी। आप इस बार की जो कांवड़ है वो काफ़ी ज़्यादा, ये आप देख रहे हैं जो पुलिस फोर्स जा रही है इधर, सारे जो दुकान ये सब दुकान लगाए हुए हैं सारा हटवाने के लिए जा रही हैं ताकि भोले जो आए उन्हें किसी बार कोई दिक्कत हो नहीं। और हम आ चुके हैं, बस थोड़ी दूर में हरकी पैड़ी है, यहाँ पे भोलों के लिए मेडिकल की सुविधा है, एम्बुलेंस वगैरह रखा हुआ है। ये हम खड़े हुए हैं अभी, ये वाला जो ब्रिज है ये हाथी वाला ब्रिज है। माँ मनसा देवी की जो यात्रा अभी आप करना चाह रहे हैं तो भीड़ के सामना करना पड़ेगा, काफ़ी भीड़ हो रही है मनसा देवी में। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा ट्रैक, पैदल ट्रैक, कुछ लोग शायद दिखाई दे कैमरे में, लेकिन काफ़ी भीड़ हो रखा है पैदल मार्ग में। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, देख रहे हैं मौसम, बारिश नहीं हुआ है लेकिन बारिश होने को है ऐसा लग रहा है। मौसम काफ़ी ज़्यादा उमस गर्मी वाला है, क्या आप देख रहे हैं चार ओर का दृश्य। ये बोले आए हैं जल लेने के लिए हरिद्वार। कहाँ जाएंगे आप लोग ऐसे जल लेके? हरियाणा बागपत, हरियाणा बादल, बादल जाएंगे आप लोग। कितने लीटर जल लेके जाएंगे आप लोग यहाँ से? 25-25 लीटर। अच्छा, 50 लीटर का जल लेके जाएंगे आप लोग। चलिए भाई, आप लोगों का सफर मंगलमय हो, ये आप देख रहे हैं। कल कितने समय उठाएंगे आप लोग जल? पहले उठाएंगे 4 बजे। अच्छा, 4 बजे उठाएंगे, कब तक पहुँच जाएंगे आप? 14 तारीख को। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 250। अच्छा, 300 किलोमीटर होगा, आप पहुँच जाएंगे आराम से 14 तारीख तक। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब घाटों में आपको अधिकतर हर जगह कावड़ ही कावड़ दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये। ये हमारे सब्सक्राइबर है जो हमें डेली हमारे चैनल को देखते हैं। और ऐसे कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, लखनपुर। तो आपको यहाँ पे आने के बाद किसी पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, मौसम बारिश वाला हो रखा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आ सकते हैं हरिद्वार की यात्रा। लेकिन थोड़ा कांवड़ जो यात्री है उसकी वजह थोड़ा भीड़ हो रही है, और कुछ किसी पर कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं कितना खाली है, बस भीड़ आपको मिलेगी तो केवल हरकी पैड़ी मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं डुबकी लगा रहे हैं हमारे जो सब्सक्राइबर है।